हे गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टार्ट एंड वर्ड पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में आपका मिनिमम कितना खर्चा आता है और एप्लीकेशन बनाने का समय क्या होता है, कि किस टाइम पे कौन सा एप्लीकेशन बनाए जो आपके लिए ज़्यादा ही फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में अच्छे से रीड कर लिया है कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में कितना खर्चा आता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कौन सा एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, सबसे पहले ये मेन फोकस कीजिएगा। मान लीजिए आपने किसी भी चैनल पे वीडियो देखा कि इस एप्लीकेशन बनाने के बाद इतना आप इनकम कर सकते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन बनवाने के बाद आप तो इनकम कर पाएंगे लेकिन बट वो एप्लीकेशन आप क्यों बनवा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि आप कोई भी कैटेगरी के एप्लीकेशन बनवा लीजिए, वीडियो स्टडीज़ का या किसी भी ओला से एप्लीकेशन ले लीजिए, ऊबर का एप्लीकेशन ले लीजिए, तीन पत्ती एप्लीकेशन लीजिए, गेमिंग एप्लीकेशन लीजिए, किसी भी कैटेगरी का अगर आप एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो मेन ये होना चाहिए कि आप उस एप्लीकेशन को लेके कितना इंटरेस्टिंग अपना मतलब दिखा रहे हैं, कि उस एप्लीकेशन पर अपना कितना दिल लगा रहे हैं, उस एप्लीकेशन से आप कितना लगाव रख रहे हैं कि इस एप्लीकेशन से मुझे कैसे भी अर्निंग करना है। मान लीजिए अभी इस टाइम में मार्केट में ग्रोसरी एप्लीकेशन इस टाइम में काफ़ी डिमांड में चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण लोग अपने घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे, घरों से बाहर ज़्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना को लेके कोई लोग सीरियस ले रहे हैं, काफ़ी लोग सीरियस नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है इस टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस टाइम पे काफ़ी मार्केट में ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही स्कोप कर रहा है। एप्लीकेशन के मामले अगर हम बात करेंगे तो ग्रोसरी एप्लीकेशन ले लीजिए, टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन ले लीजिए, टूर्नामेंट एप्लीकेशन ले लीजिए, इस टाइप का एप्लीकेशन मार्केट में काफ़ी ही इस टाइम पर रनिंग में चल रहा है। मान लीजिए आप कोई टीचर है, मान लीजिए आपका कोई दुकान है, मान लीजिए आपकी कोई मेडिकल शॉप है, मान लीजिए आप किसी चीज़ में इंटरटेनमेंट में आ गए हैं, जो आपको जो मन करता है, जिसमें आप में ज़्यादा आगे हैं, उस चीज़ का अगर आप एप्लीकेशन बनवाएंगे तो उसका आपको ज़्यादा नॉलेज भी रहेगा। मान लीजिए आपको क्योंकि किराना का शॉप है, आपने ग्रोसरी एप्लीकेशन बनवाया तो आपको उसमें ज़्यादा मन लगेगा, क्योंकि आपकी दुकान है, आप उस पर वर्क करेंगे तो ही आपको पता है कि हाँ, मैं अगर जो शॉपिंग मतलब जो भी मेरा शॉप है, मैं एप्लीकेशन अंदर क्या डालूंगा, मुझे अपने कस्टमर कैसे लेके आने हैं, मुझे सेलिंग मेरी कैसी बनानी है, मेरे एप्लीकेशन को कैसे ग्रो करना है, तो इस टाइम में आप पूरा दिमाग लगा पाएंगे। अगर सोचेंगे आपका दुकान है ग्रोसरी का, अगर आप चाहेंगे नहीं मैं एप्लीकेशन बनाऊँ टिकटॉक का, लेकिन टिकटॉक के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बस आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि इस एप्लीकेशन आप इतना इनकम कर सकते हैं, बट आपको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है, बस आपने वीडियो देखी उस एप्लीकेशन को बनवा लिया और उस एप्लीकेशन से आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एप्लीकेशन का आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बस आपने वीडियो देखे उस एप्लीकेशन बनवाया तो आप दोस्तों अर्निंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन बनवाइए, इस एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। कभी भी कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले बस एक बार सोचिएगा कि आपका दिल क्या कहता है, कि हाँ इस एप्लीकेशन के बारे में पहले डिटेल्स निकाल लीजिए कि इस एप्लीकेशन से कैसे अर्निंग की जा रही है, डेवलपर से बात कर लीजिए कि हाँ सर, अगर मैं एप्लीकेशन बनवा रहा हूँ तो इसमें कितना पैसा लग पाएगा, इस एप्लीकेशन टेम्पलेट बेस है या रिक्वायरमेंट बेस के एप्लीकेशन, टेम्पलेट बस अगर बनवाएंगे तो करीब करीब अकॉर्डिंग 8 या 15 हज़ार में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, 8 से लेकर 10 हज़ार या 15 हज़ार में एप्लीकेशन मिल जाएगा अगर आप कभी भी कैटेगरी के एप्लीकेशन टेम्पलेट बेस बनवा रहे हैं। अगर आप बात कर लीजिए रिक्वायरमेंट्स में एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो वो 50,000, 60,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कस्टमाइज कितना है, आप उस एप्लीकेशन में क्या इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो ये टेम्पलेट बेस हो गया और ये रिक्वायरमेंट बेस हो गया। ये एप्लीकेशन मान लीजिए वीडियो स्टडीज का अगर टेम्पलेट बेस बनाना है तो 15 जाएगा, अगर टेम्पलेट बेस का आप नहीं बनवा रहे सिर्फ कस्टमाइज एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, कुछ नए फीचर डलवा रहे हैं तो 30,000 ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप कोई टिकटॉक से एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म रेडी करवा रहे हैं, उसमें ड्यूट का भी ऑप्शन चाहिए, लाइव का भी चाहिए, तो 1.5-2 लाख के ऊपर ही रखिए। लेकिन टिकटॉक से सेम बनता है नहीं कि उसकी यूआई डिज़ाइन ले लीजिए, कुछ फीचर जो आप लगवाना चाहते हैं वो बन जाता है। देखिए, बस मेरा मेन मोटिव वीडियो में यही बताना है कि आप जितना भी पैसा लगाते हो बस उस पैसे से आप उतना कम से कम अर्निंग कर पाए कोई भी एप्लीकेशन बनवा के, या टूर्नामेंट के एप्लीकेशन ले लीजिए, या ग्रोसरी के एप्लीकेशन, किसी भी कैटेगरी का, या कोई भी आप एप्लीकेशन बनवा लीजिए। जब तक आप एप्लीकेशन से अर्निंग नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरा एप्लीकेशन बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे। और दोस्तों, कभी भी एक बेसिक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आप मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन तो आपने बनवा लिया, आपने अर्निंग करना भी चालू कर दी, एप्लीकेशन को कभी अपडेट करवाते रहिए। जब तक आप एप्लीकेशन में कुछ नया लेके आएंगे तो ही आपके क्लाइंट यूज़र टिक पाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। और दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा एप्लीकेशन के ऊपर, देखिए एप्लीकेशन शायद मार्केट में काफ़ी रनिंग में चल रहा है, तो ये देखिए कि मार्केट में अभी कौन सा एप्लीकेशन जो रनिंग पे है, जो चल रहा है मार्केट में, जो ज़्यादा लोग बनवा रहे हैं एप्लीकेशन को, जो अभी मार्केट, मान लीजिए अभी ग्रोसरी का चल रहा है, अब आप बनवाएंगे वीडियो स्टडीज़ का एप्लीकेशन तो वो कैसे चल पाएगा? जो मार्केट में रन करता है ना, उसके हिसाब से अगर आप एप्लीकेशन बनवाएंगे तो लोग उस पर ही माइग्रेट होंगे, लोग उस एप्लीकेशन को, मान लीजिए वीडियो स्टडीज़ का एप्लीकेशन बनाया, काफ़ी लोगों ने वीडियो भी बनाया था वीडियो स्टडीज़ का एप्लीकेशन, इस टाइम मार्केट में प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं, बात उनकी भी सही है, प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे वीडियो स्टडीज़ का एप्लीकेशन है, लेकिन आप वीडियो स्टडीज़ का एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो उस एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर दीजिए। आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन देखते हैं, तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इससे ज़्यादा मैं इसमें क्या फीचर ऐड कर पाऊंगा जो मेरे एप्लीकेशन में रहेगा और इस एप्लीकेशन में नहीं रहेगा, तो वो सब सोच के एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, दूसरे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए,
वो थोड़ा दिमाग यूज़ कीजिए कि हाँ इस एप्लीकेशन में भी नहीं है और इस एप्लीकेशन में भी नहीं है, अगर मैं इस एप्लीकेशन में अगर मैं ये डाल दूंगा बटन, अगर ये मैं फीचर्स डाल रहा हूँ तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तो ये इस टाइप का एप्लीकेशन बनवाइएगा, उसके बाद उसका प्रमोशन कीजिए, उसके टैम्पलेट्स बांधिए, तो लोगों भी ज़्यादा डाउनलोड करेंगे और आपके प्ले स्टोर पर वीरोस्टोर का ही एप्लीकेशन रहेगा, उसके जो यूआई डिज़ाइन लिए, उसके फीचर लिए, ये काफ़ी अलग रहेगा। तो कभी भी एप्लीकेशन सेम मत बनवाइए, कभी भी कुछ में चेंजेस करते रहिए कि लोगों भी पसंद आएगा और आपको भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाने में और चलाने में भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका जवाब तुरंत मिल जाएगा।